हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल रैंकर्स बीएससी में। मैं प्रभास पंडित, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था बेसिस क्वेश्चन जो 50 को बताना है, 50 कम से कम 50 बताना है आप लोगों को। 50 बता देंगे ना तो जो है आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर रैंकर्स बीएससी भी पार्ट 5 है। एक मेरा वेबसाइट है www.rankersbscb.com, वेबसाइट में मिल जाएगा गूगल या क्रोम पे, और यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब पे जो तो आप लोग को पता ही है, रैंकर्स बीएससी भी है यूट्यूब पे। तो जितना लिख रहे हैं जितना अच्छे से सजा के लिख रहे हैं आप लोगों के चलते, ताकि पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकें और आप लोग शांति से देख सकें। तभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन चलेगा आप लोग के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ये 50 कम से कम बेसिक क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, आपका डिफिनेशन का 80% काम तमाम है, तब चलेगा सब्जेक्टिव। तो हम बता दे रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। तो पहला क्वेश्चन है कोस रूट एक्स। तो कोस रूट एक्स का तो पहले बता दिए, तो इसका डायरेक्ट पहले वाय मान लेते हैं। कोस रूट एक्स यहाँ डायरेक्ट इसका डी वाई डी एक्स कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए कोस एक्स का फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे माइनस साइन एक्स। इंट्रोडक्शन के दूसरे पार्ट वाले वीडियो में है आपको टोटल फार्मूला बता दिए हैं। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, कोस का एंगल है रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स। अब बचा यहाँ दोस्तों रूट एक्स, तो आपको बता दिए थे इसमें जो है डिफरेंशिएशन का एंगल का भी होता है, टोटल का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तोड़ तोड़ के करना पड़ता है। इंटू में है तो एंगल तो इसका इंटू एम चलेगा। अब रूट एक्स का बचा, तो रूट एक्स का फॉर्मूला हम बता दिए थे, रूट एक्स का होता है 1/2√x, ये होता है रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2√x। तो यहाँ रूट एक्स आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1/2√x। तो यहाँ इसको आगे लिख देंगे, इसको आगे लिख देते हैं। एक्स का तो रूट का हो गया, अब एक्स का तो डिफिनेशन 1 होता है, तो उसका तो मल्टीपल 1 तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए 1/2√x। इसको आगे ले आएंगे तो सजावट थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, तब ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है ना, ठीक रहता है। यह हो गया आपका फॉर्मूला, इसीलिए यदि आंसर हो गया, इसलिए dy/dx बराबर माइनस 1/2√x साइन रूट एक्स। आप लोग सोच रहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप थोड़ा इधर मतलब कि सब्जेक्टिव की तरह क्यों बना रहे हैं। तो आप ही लोग के हम बता रहे हैं कि ताकि आप लोग हो जाए ना इसको देखे और ये आंसर पूरा ले, लेकिन इसलिए डिटेल में बना रहे हैं। आप लोग कल की डेट में रिविजन कीजिएगा तो पता रहेगा कैसे डिटेल में, इसलिए डिटेल में हम बना रहे हैं आपको, आप लोगों को समझाने के लिए डिटेल में ले चल रहे हैं। अब चलते हैं 2 नंबर में, 6-7 करवाएंगे इसमें, 2 नंबर में चल रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए बेसिक क्वेश्चन आज जो जितना बताएंगे 6 क्वेश्चन है, हम आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन आज लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट सब है। देखिए भी आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसका रिवाइजन करते रहिएगा आप लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है tan 2x + 3 एंगल में 2x + 3 एंगल में, सॉल्यूशन देखिए इसका y = 2x + 3, सॉरी tan छूट गया यहाँ पे, tan 2x + 3। यहाँ देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर एंगल क्या है, tan का एंगल पूरा है 2x + 3, tan का एंगल पूरा है इसमें 2x + 3, tan का हो गया। अब करते हैं 2x का करते हैं, 2x का हो जाएगा आप लोगों को 2। यहाँ तो बता देते हैं प्लस 3, यहाँ तो 0 हो, इसका तो 0 होता है, हम यहाँ लिख देंगे 2 को आगे ले आते हैं, 2 sec² 2x + 3, ये आंसर, इसीलिए dy/dx, इसलिए dy/dx बराबर 2 sec² 2x + 3।
ये वाला जो सवाल है 10 2x + 3, कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। साइन x² + साइन इंटू x² + 5, साइन के एंगल में है x² + 5। देखिए साइन x² + 5 एंगल में, ठीक। आप यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्यूशन डाल दिए, ध्यान से देखिएगा। y = sin x² + 5 sin into x² + 5। साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है साइन एक्स का। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स, कोस एक्स एंगल क्या है x² + 5। यहाँ बचा आपको x² का हो जाएगा 2x, x² का हुआ 2x। अब बचा x का तो 1 होता है, उसको तो छोड़िए। अब 5 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप लोगों को बता दिए। ये आंसर हो गया आप लोगों का 2x cos x² + 5, यही आंसर है, देख लीजिएगा। सवाल पूरा इम्पोर्टेंट सब है, जो मॉडल पेपर से आप लोग को दे रहे हैं बनाने, भी यहीं लिख देते हैं, इसलिए dy/dx = अब चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे, 4 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर हो गया 2 नंबर हो गया 4 नंबर रहा। 4 नंबर को जो लिखने दीजिए पहले। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है sec into 10 root x sec into 10 root x सॉल्यूशन। y = sec into 10 root x, ध्यान से देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का d/dx कर देते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into 10x, याद होगा आप लोग को, करवा दिए हम, ध्यान से देखिए sec का एंगल है यहाँ पे 10 root x, तो sec का पहले कीजिए, तो sec का होता है sec x into 10x, तो sec x पूरा एंगल है ना, x एंगल है, x की जगह पूरा एंगल है, तो sec की जगह जो है ना पूरा बैठेगा ये 10 root x, ध्यान से देखते जाइए। अब बचा sec x का, तो फॉर्मूला होता है sec x into 10x, अब इंटू 10x की जगह फिर ये बैठेगा 10 root x। फिर आगे बढ़िए, अब बचा sec x का हो गया sec x का, इसमें sec का हुआ है sec x into 10x, तो sec x into 10x, अब बचा 10 root x का, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec², ये भी तो एंगल है तो ये भी 2m चलेगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, x में क्या है root x, अब बचा root x का क्या होता है, बता दिए हैं पिछले वाले पेज में, बताए थे हम आप लोग को 1/2√x, ये जो है ना 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 नंबर में नहीं पूछा जाता, गलती से आ गया इसमें 1 नंबर में, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये जो है ना 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन
इसीलिए डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से लिखिएगा, पहले लिख लेते हैं, इसी को लिखते हैं, वन बाय टू रूट एक्स लिखते हैं अब, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक। अब लिखते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स को लिख दिया, अब लिखते हैं सेक टेन रूट एक्स, अब फिर लिखते हैं इनटू में टेन टेन रूट एक्स, इनटू में है ना, एंगल है टेन रूट एक्स, यानी पूरा आंसर हो गया, ये पूरा आंसर हो गया इनका। यहाँ पे और पूरा फ्रेश में लिख देते हैं थोड़ा, वन बाय टू रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स, इतना बड़ा बड़ा भी आंसर होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी में बताए हैं, यदि आप किताब के अनुसार चलिएगा, हर का डी बाई डी एक्स कीजिएगा, तो आपको यह सवाल यहाँ से लेके दूसरे वाली पेज तक जा सकती है। ये आपका आंसर हो गया। पीडीएफ में यही लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा सजा कर करके लिख देते हैं, फिर से समझना चाहते हैं तो फिर से समझा देते हैं इसको। चलिए फिर से समझाते हैं, यहाँ पर है सेक टेन रूट एक्स, इंटू में है सेक का एंगल में है टेन रूट एक्स, सेक का जो थीटा है, थीटा थीटा है सेक का, ये सेक एक्स का फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है, सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अभी दिखाते हैं आपको सेक एक्स का फॉर्मूला, हम देख लीजिए, आप ही को बताए थे ना, सेक एक्स का फॉर्मूला वहां लिखा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे जो है ना सेक एक्स का जो फॉर्मूला बता दिए। अब सॉल्यूशन में आए, मानते हैं वाई इक्वल टू, वाई को भी तो डिफरेंशिएशन सूचित किया जाता है, वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, यहाँ तक लिख दिए जैसे लिखा जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, लिखेगा ना इसी तरह नंबर लिखेगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो सेक इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए ये एक्स ही है, तो सेक एक्स का फॉर्मूला हो जाता है डिफरेंशिएशन आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब आपको बता दिया डिफरेंशिएशन में एंगल का भी करना पड़ता है, एंगल का तब बचा, एंगल क्या है टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स है तो टेन का, फिर यहाँ भी टेन पे ध्यान देना पड़ेगा, तो टेन आपको बता दिए तोड़ तोड़ के डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन वैसे नहीं होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, मान लीजिए इसको भी एक्स है कुछ देर के लिए, तो यहाँ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ रूट एक्स है एंगल में, इसीलिए बचा रूट एक्स, तो फिर इंटूएम पूरा प्रोसेस एक्स का जो है इंटूएम है, इसलिए इंटू में लिखे हैं। अब रूट एक्स को था वन बाय टू रूट एक्स, एक्स का तो वन ही होता, उसको छोड़िए, तो चलिए आगे चलते हैं। सो इसको सजावट के अनुसार आप यहाँ तक भी इसको जो है ना छोड़ के यहीं लिख दीजिएगा, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बड़ा इक्वल टू, यहीं तक लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिएगा, कोई नहीं काटने वाला आपका मार्क्स, कोई नहीं। लेकिन सजावट के लिए हम आपको समझाने के लिए इसलिए यहाँ लिख दिए डी वाई डी एक्स बड़ा, इसको आगे ले लिए हैं, क्योंकि ये जो है ना जो है वन टू कॉन्स्टेंट की तरह जो है ना, और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको थोड़ा एक साथ लिखने में अच्छा लगता है, तो वन बाई टू रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स पीछे से लिए हैं, फिर यहाँ फ्रेश में लिख दिया आपको घेर के, आंसर बता दिए हैं। कोई समझ में यदि दिक्कत आएगी तो कमेंट में भेजिएगा, सर नहीं समझे, ठीक। अब बचा एक सवाल और बता देते, पाँच ही सवाल बताएंगे, पाँच नंबर में ध्यान दीजिएगा, फाइव साइन फोर एक्स, ये आप लोग भी बना सकते हैं, पिछले वाले बेसिक्स क्वेश्चंस पार्ट वन में बता दिए हम इस टाइप का सवाल, साइन पे क्यूब वाला सवाल बताए हैं आप लोगों को, तो सॉल्यूशन चलते हैं लेके, इक्वल टू फाइव साइन पर फोर एक्स, इसको लिखिए, फाइव कॉन्स्टेंट है इंटू में है,
इसको रहने दीजिए, फोर को आगे ले आइए, फोर साइन पे क्यूब, क्योंकि यहाँ से मैं वन जो घटेगा ना, वन घटेगा ना, क्योंकि एक्स बराबर आपको बता दिए थे ना, एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है, वही लागू किया। फोर आगे चलाया फाइव का, तो इंटू में तो इसको फाइव को भूल जाइए, फाइव को फोर को आगे लाइए, साइन पे फोर माइनस वन तो थ्री होगा, लिख देते हैं एक्स। कॉन्स्टेंट यदि मल्टीपल में है उसको तो भूल के ही चलिए, और यदि फिर बाद में पहले पावर, यदि पावर वाला पॉइंट आता है तो उसको पकड़िए, पावर वाला पॉइंट आया उसको पकड़िए, पावर वाला पॉइंट हो गया आप बचा साइन एक्स। अब साइन एक्स का था डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। छोड़िए अब यहाँ पे आइए, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइव इंटू फोर ट्वेंटी साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो आज तक यहीं, आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, पांच पांच सवाल डेली बताएंगे, कम से कम बेसिक क्वेश्चन चलेगा ऑब्जेक्टिव का, दस वीडियो कम से कम, हम तो दस वीडियो नहीं आठ वीडियो हम कम से कम सोचेंगे बन जाए टोटल वीडियो, और ताकि आपका डिफरेंशिएशन का 80% ऑब्जेक्टिव बन जाए, 80% ऑब्जेक्टिव जब बन जाएगा ना, आपको डिफरेंशिएशन में कहीं नहीं दिक्कत होगा, तब चलेंगे इंटीग्रेशन में। लगभग हम जो है दो महीना के अंदर जो आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कंटेस्ट करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।